शहीद भगत सिंह के गांव खटखट पंजाब से मिट्टी लेकर किसानों का जत्था टीकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए किसान मजदूर पैदल पदयात्रा के माध्यम से किसानों का समर्थन कर रहा है। उसी कड़ी में आज ये किसान मजदूर पैदल पदयात्रा करनाल के अटल पार्क पहुंची, जहां पर करनाल के किसान नेताओं ने किसान जत्थे का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि ये किसान यात्रा किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंजाब से चली है और शहीद भगत सिंह के गांव की मिट्टी लेकर हम लोगों को जागरूक करते हुए आगे जा रहे हैं और 23 तारीख को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। इस अवसर पर पदयात्रा के साथ पंजाब के गायक भी मौजूद रहे, जो किसान और मजदूर के बारे में गाए गए गीतों से पदयात्रा में चल रहे किसानों का मनोरंजन भी करवा रहे थे। यहां हम आपको बता दें कि लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका है दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसी का समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में आज पंजाब से युवा व किसान मजदूर दिल्ली की ओर पैदल यात्रा के माध्यम से जन जागृति फैलाते हुए जा रहे हैं। तो अब कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ जाएंगे? हम रात पे सोनीपत पे जाएंगे, सॉरी पानीपत पे, और सवेरे पैदल जाएंगे सिंघु बॉर्डर पर, 22 तारीख को पहुँचेगा वहाँ पर। तो क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो काले कानून बनाए हैं सेंट्रल की सरकार ने खेती के बारे में, उनको रद्द कराने के लिए हम सभी जहाँ पर जाएंगे। आपको नहीं लग रहा कि 3 महीने से ऊपर का टाइम बीत चुका है, लेकिन सरकार की कोई 2 महीने से लगातार कोई मीटिंग भी नहीं हो रही? हाँ, उस दबाव बनाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सरकार जब मानेगी तब ही हम मतलब अपना संघर्ष वापस लेंगे। अब बंगाल जा रहे हैं किसान, राजस्थान जा रहे हैं, दूसरे जहाँ जहाँ इलेक्शन है, उस चीज़ का कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो किसान वहाँ पर गए हैं और मतलब जथे जो है सारे हिंदुस्तान पे, 4 जथे जो मतलब एक पंजाब से जो शहीदों की धरती थे, मतलब हजारों की तादाद से मजदूर थे किसान वहाँ आए हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जे किसान बंगाल में भी गए हैं और स्टेटों में भी गए हैं, हम मतलब पूरे उत्साह से पंजाब से उनकी घाट जो है उनको पूरी करें। किसान असी जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बनाए उन्होंने विरोध चो, असी पहला भी 2 महीने लगातार उत्थी बैठे रहे परिवार समेत। हुण साडा जथा चलिया भगत सिंह के पिंड तो खड़कर कलां तो, जिहड़ा जथा अज लगातार पानीपत जिहड़ा रात नूं ठहर करेगा, कलों पैदल मार्च है जिहड़ा अलग अलग पिंडां नूं हुंदा होया सिंघू बॉर्डर ते पहुँचेगा। ਜੋਗਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਗਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ 600-700 ਕੁ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 3000 ਕੁ ਲਗਭਗ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਚਾਹੇਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਕੁਛ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਿੰਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਵਾਪਸ ਲਿਖੇ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੋਗਲ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਗਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।